हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एस्ट्रो गाइड। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे वास्तु में कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम बताएंगे कि वहां पे क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, हमारी जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है ना, वो ये डायरेक्शन है आपकी। अगर ये आपका ईस्ट है, ये आपके घर का ईस्ट है, तो आपके बिल्कुल ऐसे पड़ेगी, ये आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है। और ये स्टार्ट होती है यहीं से, कहीं से, ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच से, और साउथ साउथ ईस्ट तक यहां तक ये जाती है। हम इसकी पूरे की बात करेंगे, पर जो मेन डायरेक्शन है वो ये है साउथ ईस्ट की। मेन डायरेक्शन ये है साउथ ईस्ट की, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इस डायरेक्शन में कुछ गलती से आपने, जितनी इंपॉर्टेंट यहां पे नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया था आपको, उतनी ही इंपॉर्टेंट अगर आपके पूरे घर का वास्तु खराब है, और लेकिन ये दो जगह नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इस पे अगर आपका, आपके घर पे जो चीजें बननी चाहिए वो बनी हुई हैं, तो आपका 50% वास्तु का काम आपका हो गया, 50% वास्तु आपका कंप्लीट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो एलिमेंट है, पहले उसको समझ लीजिए, फायर एलिमेंट है इसका, ठीक है। कलर जो है इसका रेड है। क्रिएट करती है एयर, फायर को एयर क्रिएट करती है, क्योंकि हवा चलेगी तभी तो आपका आग जलेगी, फायर क्रिएट होगी। और अर्थ एलिमेंट जो है ना, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कोई आप मिट्टी उसके ऊपर डाल दोगे, सैंड डाल दोगे, तो आग जो है बुझ जाएगी। तो इसीलिए इन सब चीजों को जानना ना बड़ा जरूरी होता है, ये यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। और ये डिनोट किसको करती है दोस्तों, ये डिनोट किस चीज को करती है, नंबर एक फायर को, ये दिशा कैश लिक्विडिटी को करती है, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, इन चीजों के बारे में बताती है। तो फायर आपके अंदर जो, आप बोलोगे फायर आपके अंदर जो अग्नि है, जो आपके अंदर एनर्जी है, उसको डिनोट करती है, ठीक है। और कैश लिक्विडिटी को, आप जितना भी कैश लिक्विडिटी होती है उसको डिनोट करती है, और आपके हेल्थ इश्यूज। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस डायरेक्शन में कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी एनर्जी लेवल कम रहेगा, आपके कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सीधी सी बात यह है, इसके जो प्लैनेट है, जो इस डायरेक्शन के जो प्लैनेट है वो है वीनस, और वीनस जो है ब्यूटी प्लैनेट है, लक्ष्मी का कारक है, इसलिए ये लक्ष्मी स्थान भी बोला जाता है, इसको घर में लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, ठीक है। अब लक्ष्मी क्या है आपकी, दो तरह की लक्ष्मी होती है, एक हेल्थ जो है वो भी आपकी लक्ष्मी है। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो आप कैसे करोगे, कैसे कमाओगे, पैसा कहां से कमाओगे, और दूसरा जो आपका कैश है वो, ठीक है। आप देखिए, ये इसमें है क्या क्या चीजें, एक तो एंग्जाइटी और एनालिसिस, ये ईस्ट साउथ ईस्ट का कॉर्नर है। साउथ ईस्ट का जो प्रॉपर कॉर्नर है वो है फायर कैश लिक्विडिटी और हेल्थ इश्यूज का, और पावर ऑफ कॉन्फिडेंस का भी है साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है। हम इस पूरे को कवर कर रहे हैं इसलिए मैं इसको भी ले रहा हूं। तो साउथ साउथ ईस्ट पावर आपके और कॉन्फिडेंस को भी डिनोट करता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इस पे। देखिए, अब हम एक बात करते हैं कि अगर इस दिशा में, सबसे पहले बात करते हैं इस दिशा में अगर डिफेक्ट है कोई, तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज पहले, ये किसके लिए बेस्ट है, तो ये जो दिशा है इसको हम बोलते हैं अग्निकोण, फायर का एलिमेंट है यहां पे, तो यहां पे किचन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके घर में यहां पे किचन के लिए जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, सॉरी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट तो ये हो गया, लेकिन साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन है आपके किचन के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या होने से नुकसान हो सकता है, अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपका कोई एलिमेंट आ गया, जैसे वाटर एलिमेंट आ गया, पानी को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर रहता है वो उससे रहता है, वाटर से रहता है, ठीक है, या अर्थ एलिमेंट से। तो यहां पे अगर वाटर एलिमेंट आ गया आपके, यहां पे पानी का बोर आ गया या कुछ आ गया, तो सबसे पहले आपके हेल्थ इश्यूज आपकी फैमिली में होने लगेंगे।
ये जो मैं तीन चार चीजें बताऊंगा इसमें से कोई एक हो सकती है, या तो हेल्थ इश्यूज होंगे, कैश क्रंचेस आपकी फैमिली में आ सकता है। देखिए शुक्र जो है, जो सब लोग भूल जाते हैं, जो बताते नहीं है, ब्यूटी का कारक ग्रह है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली में। 100% आपकी फैमिली में फीमेल्स को प्रॉब्लम होगी। अगर आपके घर में फीमेल्स को प्रॉब्लम है, फीमेल्स आपके घर में बीमार रहती हैं, या फिर फीमेल के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, आपके रिलेशनशिप फीमेल के साथ खराब है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके यार दोस्त हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, अगर उनके साथ प्रॉब्लम है, तो भाई साहब आप अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर देख लें, वहां पे 101% जो है वहां पे वाटर एलिमेंट होगा या फिर टॉयलेट वगैरह होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर यहां पे तुमने गलती से टॉयलेट बना दिया यहां पे, अब टॉयलेट में क्या होता है, वहां पे भी वाटर होता है और दूसरा गंदगी और आ गई, दो चीजें होगी। देखिए मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे पानी का बोरवेल है, उससे भी ज्यादा खराब क्या चीज है, उससे भी ज्यादा खराब है यहाँ पे टॉयलेट। टॉयलेट का यहाँ पे होना और नॉर्थ ईस्ट में होना आपके पूरे वास्तु को खत्म कर देगा। आपने कहा बाकी सारी जगह सही है, लेकिन ये दो चीजें खराब है तो समझो आपका पूरा वास्तु गया। क्यों गया? क्योंकि अग्नि कोण है और वहां पे आप वाटर देख रहे हो, और शुक्र की वो है, शुक्र की दिशा है, वो कौन सा प्लेनेट है जो आपको ब्यूटी देता है, जो आपको क्लीन, आपको कहता है कि भाई उसको क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है घर को। यहां पे आपने गंदगी डाल दी, कोई भी दुनिया की ताकत आपकी कैश लिक्विडिटी को ठीक नहीं कर सकता। आपके घर में कैश क्रंचेस रहेंगे, आपका पैसा फंसा रहेगा, अगर किसी ने उधार ले लिया कभी वापसी देगा ही नहीं वो। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बर्बाद हो गए, क्योंकि आप जो भी डील करोगे उससे कैश ही नहीं आएगा, कैश फ्लो ही नहीं जनरेट हो पाएगा आपका। और इस तरह से दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट आने से बंदे का जो एनर्जी लेवल है वो खत्म हो जाता है, उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है, उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, वो बुझा बुझा सा रहता है, वो काम ही नहीं कर पाता। उसको काम के लिए भेजोगे उसके नींद आएगी हमेशा, वो जल्दी थक जाने वाला होगा। उस घर में लोग बहुत जल्दी थक जाते होंगे, जरा सा काम किया उन्होंने और थक गए। मतलब एक पैशन जो होता है ना आदमी के, इंसान के अंदर, वो पैशन ही खत्म कर देता है अगर यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ गया। अब यहां पे मान लो बेडरूम वगैरह दे दिया आपने, तो क्या होगा आदमी के ऊपर, वो कितना भी काम, मतलब वो बंदा लगा रहेगा गधे की तरह अगर अर्थ एलिमेंट दे दिया, लेकिन क्या होगा उसका एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी। मतलब जो मान लीजिए वो बॉडी बना रहा है, लेकिन वो एक्सरसाइज सब कुछ करता रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो अर्थ एलिमेंट आने से यहां पर आपका वो फायर एलिमेंट लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि हमने बोला कि मैंने बोला था इस घर में स्त्रियों को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, और ये 100% ट्रुथ है। अगर आपका ये वाली डायरेक्शन सही नहीं है तो आपके घर में औरतों को हमेशा समस्याएं रहेंगी। खासकर मैंने जैसे बोला कि औरतों से रिलेशनशिप बड़े खराब रहेंगे। एक बंदा मेरे से आया था पत्री दिखाने, तो उसने जब अपने घर का वास्तु दिखाया था, तो जैसे ही उसका मैंने पूछा, उसने बोला कि भाई शुक्र उच्च का होने के बावजूद, देख लीजिए शुक्र कुंडली में उच्च का है, लेकिन फिर भी जो है रिलेशनशिप खराब औरतों के साथ, फीमेल्स के साथ, क्योंकि उसके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो बिल्कुल बर्बाद था, बिल्कुल खराब था। वहां पर पूरा का पूरा टॉयलेट उन्होंने बना रखा था जिसका कि कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, आधी से ज्यादा बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आपका साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है वो सही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इम्यूनिटी के लिए है ये वाला कोना, और ये वाला जो है ये आपका हेल्थ इश्यूज के लिए है। तो आधी से ज्यादा बीमारियां आपकी खत्म अगर आपका साउथ ईस्ट सही है तो। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेंगे, हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस किस से क्या वो हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी रेमेडीज क्या है, इसके लिए क्या रेमेडीज हैं अगर ऐसा है। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपके यहाँ पे टॉयलेट है या आपका वाटर का कोई सोर्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेमेडीज का चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है वाटर, उसके लिए कोई मतलब उसका कोई समाधान नहीं है। बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, अगर टॉयलेट है तो वहां पे प्लीज चेंज कर दीजिए, उसको यूज करना बंद कर दीजिए। इस प्लेस को सबसे पहले साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए, और जितनी ज्यादा फ्रेग्रेंस यहां पे दे सकते हो उतनी ज्यादा दीजिए। अब लोग बोलेंगे यार फ्रेग्रेंस क्यों, क्योंकि वीनस की जगह है ना, ये वीनस का प्लेस है, जितनी फ्रेग्रेंस वाली चीजें आप लगा सकते हो यहां पे, जितना इसको क्लीन रखोगे आपका 25% से लेकर के 30% तक का यहां पे आपको फर्क पड़ जाएगा सिर्फ आपको क्लीन रखने से। ठीक है, इस दिशा में। दूसरी बात, यहां पे शुक्र का जो यंत्र है उसको हमेशा लटका के रखिए, शुक्र का यंत्र,
आपको कहीं भी किसी से भी आप ले सकते हो, जो वास्तु वगैरह का वो करते हैं वहां से ले सकते हो, किसी शॉप से ले सकते हैं जो वास्तु प्रोडक्ट में डील करते हो। तो यहाँ पे अगर आप शुक्र का यंत्र दोगे तो भी उससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। अब एक और बात जो लास्ट है वो ये है कि अगर यहाँ पे आप ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड लगा दे, ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड, आप इस तरह का पिरामिड तीन तीन के सेट में, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड अगर तीन तीन पिरामिड जो है वो यहाँ पे लगा दें तो आपका वास्तु से छुटकारा, आपका जो वास्तु डिफेक्ट है उसके उससे छुटकारा मिल सकता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो उसका यूज जो है इमीजिएटली बंद कर लो अगर कर सकते हो तो, क्योंकि सबसे खराब, अगर आपके, देखिए एक चीज नोट कीजिए, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे टॉयलेट है उसका समाधान कीजिए, उसको जल्दी से हटा दीजिए, क्योंकि अगर उसके बाद आप बावजूद भी, मतलब अगर आप का यहाँ पे टॉयलेट रहा और आप रेमेडीज करते रहे तो इतना ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और खासकर आपकी पत्री में दशा भी खराब ग्रह की आ गई ना, फिर तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, पावर और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यहाँ पे कलर यहाँ पे रेड कीजिए, अगर कोई और कलर है तो सबसे पहले कलर को भी हटाइए, यहाँ पे रेड कलर का जितना ज्यादा यूज कर सकते हो रेड कलर का कीजिए। अब मेरी लास्ट में बात आती है ये कि भैया अगर यहाँ पे फायर एलिमेंट है, ठीक है, और हमने एयर एलिमेंट दे दिया वहां पे, ठीक है, एयर एलिमेंट आ गया मान लीजिए वहां से एंट्रेंस वगैरह दे दी है तो वो भी खराब है, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे फायर की उतनी जरूरत, आग होती है ना उसकी जितनी जरूरत है तुम उतनी तो सही है, अगर उसमें ज्यादा हवा आएगी तो हवा उड़ा के आग को ले जाएगी और वो आग को और बढ़ाएगी, तो जितनी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसलिए कई बार लोग ये बोलते हैं कि भाई जब एयर इसको क्रिएट करता है, कई लोगों का क्वेश्चन होता है जो वास्तु में होते हैं, कई लोग सीख रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया जब एयर इसको क्रिएट करती है तो ये तो अच्छी बात है। भाई वो क्रिएट क्यों, अगर वहां पे फायर है और ऑलरेडी तुमने उसको क्रिएट कर दिया वहां पे और एक्सेस हवा दे दी वहां पे, तो ये एयर क्या होगी, आग को क्या करेगी, बहुत ज्यादा फैला देगी। ठीक है, तो इसीलिए रेड कलर की रेमेडी मैंने एक बता दी, शुक्र का यंत्र का बता दिया मैंने, साफ सफाई बिल्कुल क्लीन रखें, जितनी फ्रेग्रेंस वहां पे दे सकते हो उतना, और ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड यहाँ पे लगा सकते हैं। किचन के लिए इससे अच्छी डायरेक्शन जो है वो कोई नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो, वीडियो होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ, यार लोग बोलते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो जब बेल आइकन ही नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, तो नोटिफिकेशन को दबाइए, ठीक है, नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।